फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत की कोविड 19 रिकवरी दर में वृद्धि, 47% की दर से ठीक हो रहे हैं संक्रमित। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश में चरणबद्ध रूप से हटाया जा रहा है लॉकडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को किया स्थगित। ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिणी कोरिया, भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा सम्मेलन में। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया दोरा के रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों पर दावा करते हुए देश का संशोधित मानचित्र जारी किया। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स। फाल्कन 9 लॉन्चिंग व्हीकल ने कैनेडियन अंतरिक्ष केंद्र से भरी उड़ान। अब करेंट अफेयर्स विस्तार से। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, केरल या महाराष्ट्र? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो के अंत में हम इसका सही जवाब देंगे। साथ ही आप सभी रोज ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्वालिटी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अब पढ़ते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पर। आज का पहला पॉइंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई के दिन हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक थीम के अनुसार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 1987-88 में की गई थी। इस बार का थीम है, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना। तंबाकू में पाया जाने वाला मुख्य रसायन निकोटीन है, जो अत्यधिक नशीला रसायन है। इसका लंबी अवधि तक प्रयोग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से इस पर निर्भर बना देता है। वैश्विक तंबाकू निगरानी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग 60 लाख लोगों की तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण मौत हो जाती है। वहीं भारत में प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से लगभग 10 लाख मौतें होती हैं, जो देश में होने वाली कुल मौतों का 72% है। 80% से अधिक मुख का कैंसर तंबाकू के उपयोग करने के कारण ही होता है। भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश है। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला मुख्य बिंदु है G7 समूह, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जून के अंत में होने वाले G7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया और भारत को भी आमंत्रित करना चाहता है अमेरिका। इस समूह के 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में हुआ था। आपको बता दें कि G7 नामक संगठन की स्थापना विश्व के 7 विकसित देशों ने 1975 में की थी। सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। हालांकि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन भी इसमें भाग लेता है, अतः कभी कभी इसे G8 के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला मुख्य बिंदु है वी ट्रांसफर। सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते डच फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। हालांकि वेबसाइट को ब्लॉक करने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। दूरसंचार विभाग TOT द्वारा 18 मई को जारी किए गए आदेश ने सभी ISP को डच वेबसाइट वी ट्रांसफर पर 2 डाउनलोड लिंक और पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शराब बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब बाजार है, जिसका मौजूदा मूल्य $35 बिलियन है। वर्ष 2022 तक शराब बाजार में 22% की दर से वृद्धि होगी और बाजार मूल्य होगा लगभग $41 बिलियन। लॉकडाउन के चौथे चरण में सबसे पहले देश में शराब बाजार को ही खोला गया था। देश के राजस्व में आबकारी विभाग का एक बड़ा योगदान है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फाल्कन 9। एलन मस्क की निजी कंपनी SpaceX द्वारा निर्मित अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है फाल्कन 9। 9 साल बाद नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों डग हार्ले और बॉब बैनकेन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। फाल्कन 9 ने उसी लॉन्च पैड कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी, जिसका उपयोग नासा की अंतिम अंतरिक्ष शटल फ्लाइट द्वारा किया गया था, जिसे हार्ले ने 2011 में पायलट भी किया था।
तब से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को रूस के सोयूज विमान पर सवार कक्षा में सवारी करनी पड़ी। अमेरिका की धरती से करीब एक दशक बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, इसीलिए अमेरिका के लिए यह लॉन्चिंग बेहद खास रही। अब अभ्यास प्रश्न का सही जवाब। इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है केरल। आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न। देश में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्थानों पर चलाई गई? इंदौर से जयपुर, नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ से पटना।